दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम ही ऐसा होता है कि किसी अदाकार की पहली ही फिल्म जबरदस्त कामयाबी हासिल करे और वो रातों रात शोहरत और मकबूलियत की इंतहा पर पहुंच जाए। निमी पाकिस्तान की ऐसी ही अदाकारा थी जिसे अपनी पहली ही फिल्म दुल्हन एक रात की से रातों रात शोहरत मिली। ये एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई और डायमंड जुबली मनाई। इसे पश्तो जुबान में नावे दयावेश पे के नाम से पेश किया गया था। ये पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जो एक साथ उर्दू और पश्तो जुबान में रिलीज की गई थी। इसके बावजूद निमी शोहरत और मकबूलियत ज्यादा देर तक संभाल न सकी और सिर्फ 5 साल बाद ही फिल्म इंडस्ट्री से आउट हो गई। पहली डायमंड जुबली फिल्म देने वाली और वहीद मुराद, नदीम, मोहम्मद अली, बदर मुनीर, आसिफ खान और सुल्तान राही जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम करने के बावजूद निमी गुमनामियों में खो गई और उसकी आखिरी जिंदगी इस कदर इबरतनाक थी कि जिसे लोग देखकर उसकी हालत पर अफसोस का इजहार करते थे। निमी सियालकोट के एक गरीब घराने में पैदा हुई। वो 3 बहनें और 2 भाई थे। उसकी एक बहन नुसरत थी जिसने शोहरा आफाक ड्रामे ऐनक वाले जिनमें बिल बतौड़ी के किरदार से लापानी शोहरत हासिल की, लेकिन अफसोस दोनों बहनों का आखिरी वक्त इंतहाई अलमनाक गुजरा और बिल बतौड़ी आखिरी वक्त में भीख मांगते मर गई, जबकि निमी बीबी पाक दामन के मजार पर फकीरों के साथ रहकर इंतकाल कर गई। निमी का असल नाम नौरीन था। फिल्मों में आने से कबल ही उसकी शादी हो चुकी थी और उसका शोहर एक कसाई था। उसकी अजदवाजी जिंदगी खुशहाल लेकिन गुर्बत से भरपूर थी, इसलिए जब एक मरतबा वो अपनी माँ और बहन के साथ लाहौर के स्टूडियो देखने गई जहाँ उसकी मुलाकात मुमताज अली खान से हुई जो कि उस वक्त फिल्म दुल्हन एक रात की बना रहे थे। निमी एक अनपढ़ और कबूल सूरत लड़की थी और हीरोइन जैसे दिलकशी उसमें नहीं पाई जाती थी। इसके बावजूद मुमताज अली खान ने उसे फौरन अपनी ज़ेर तकमील फिल्म में सुपरस्टार बदर मुनीर के साथ कास्ट किया। दुल्हन एक रात की ब्लॉकबस्टर साबित हुई और निमी रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। उसकी जिंदगी बदल गई और वो लाखों में खेलने लगी। निमी की सुल्तान राय और मुस्तफ़ा कुरैशी के साथ पंजाबी फिल्म लाहौरी बादशाह ने भी जबरदस्त कामयाबी हासिल की और प्लैटिनम जुबली मनाई। नदीम और मोहम्मद अली के साथ यादगार फिल्म दामन की आग भी कामयाब रही, जबकि हिदायतकार परवेज मलिक की क्लासिक फिल्म हम दोनों भी निमी के कैरियर की एक अजीम फिल्म थी। निमी ने फिल्म शरीफ जिद्दी में सुल्तान राही की हीरोइन का किरदार अदा किया और एक फिल्म में वहीद मुराद की हीरोइन भी बनी। यह एक हैरान कन बात है कि पाकिस्तान के तमाम सुपरस्टार के साथ काम करने वाली और कामयाब तरीन फिल्में देने के बावजूद निमी सिर्फ 3 साल बाद अपनी शोहरत और हैसियत खो चुकी थी और 1978 के बाद वो साइड हीरोइन या फिर सानवी किरदारों तक ही महदूद होकर रह गई। निमी की 2 बेटियां और 1 बेटा था। शोहर की वफात के बाद घर की तमाम जिम्मेदारी और बच्चों की कपालत निमी पर आ गई और उसने एक बहादुर माँ की तरह अपने बच्चों की तरबियत की। शोहर की वफात के बाद निमी ने दोबारा फिल्म लाइन में आने की कोशिश की, लेकिन उम्र की ज्यादती और वजन बढ़ जाने के बायस उसे कोई खास रिस्पॉन्स न मिल सका। निमी की आखिरी जिंदगी इंतहाई इबरतनाक थी। वो जहनी मरीजा बन चुकी थी और ज्यादातर पीरों, आमिल और गंडे तावीज़ों के लिए इधर उधर फिरती थी। उसने 20 से ज्यादा बिल्लियां पाल रखी थी जो हर वक्त उसकी गोद में बैठे रहते थे, इसलिए मोहल्ले में वो बिल्ली वाली सरकार के नाम से मशहूर थी। फिर उसने घर छोड़ा और बीबी पाक दामन के मजार पर पीरों फकीरों के साथ रहने लगी। गंदे और बोसीदा चादर में लिपटी निमी को देखकर किसी को यकीन नहीं था कि ये डायमंड जुबली फिल्मों की हीरोइन है। फिर वो जहनी मरीजा बन गई और उसे बहुत सी बीमारियों ने आ घेरा। अगर कोई मिलने आता तो वो मिलने से इनकार कर देती और आखिरकार 2008 को फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा इंतहाई इबरतनाक हालत में कैंसर के बायस इस जहानी पानी से मुंह मोड़ गई। नौरीन से निमी और निमी से बिल्ली वाली सरकार तक निमी की जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री के चक्काचूंद रोशनियों के पीछे की तारीखियों को अशकारा करती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मालूमाती वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।